नोटबंदी को एक महीना होने वाला है और एक लफ्ज जो सबकी जबान पर है वो है पेटीएम करो। और हम हैं विजय शेखर शर्मा जी के पास, जिनका ये ब्रिलियंट आइडिया था जो इस वक्त बिल्कुल बुलंदी पर है। विजय जी, आपने कभी सोचा था कि 3 गुना सेल्स जो आपने देखी है पिछले एक महीने में, ऐसा वक्त भी आएगा? देखिए, ये तो उम्मीद थी कि देश एक दिन डिजिटल होगा, देश एक दिन मोबाइल होगा, लेकिन एक महीने में इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे ये ज़रूर उम्मीद नहीं थी। और मैं तो यही कहूँगा कि इस देश में हमेशा चमत्कार ही होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। अब टेक्नोलॉजी का चमत्कार है और प्रधानमंत्री ने भी बोला है अब हमें कैशलेस होना चाहिए, पर उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। हमें एक छोटी सी दुकान पर है जो नोएडा के अंदर है, ये ऑफिसेस के पास है और यहाँ पे छोटे से छोटे व्यापारी जो है उनके पास पेटीएम है। विजय जी, आप कुछ खरीदना चाहते थे, हम दिखाना चाहेंगे लोगों को पेटीएम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, पहले वो दिखाते हैं। हाँ, तो मैं अपने फ़ोन पर पेटीएम ऐप को खोलूँगा और पेटीएम ऐप आ जाएगा, मैं अपना पे का बटन दबाऊँगा और जैसे ही मैं पे का बटन दबाऊँगा इनके पास ये QR कोड है, मैं स्कैन कर लूँगा और इसके बाद एक बिस्किट का पैकेट कितने का है भैया? 10 रुपये का। तो मैं 10 रुपये का अमाउंट एंटर करूँगा और सेंड कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ये सेंड करा, पूनम देवी के नाम से आपको 10 रुपये का पेमेंट मिल गया। बस एक बटन दबाइए अमाउंट स्कैन करने के बाद और पेमेंट डन। और बिस्किट का पैकेट आपका है, पर यहाँ पे हमने अवधेश जी से भी बात करी है, आपने हमें बताया था आप 1.5 महीने से पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, ग्राहकों को किस तरह की सुविधा है? ग्राहकों की बहुत अच्छा सुविधा है, मुझे भी सुविधा उससे हो रहा है और चिल्लर का भी दिक्कत नहीं था, हमें पेमेंट सही ढंग से मिल जा रहा है और सब ठीक ठाक है। पर यहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आई विजय जी, जब आपने ये एकदम आइडिया दिखाया था, अपने बोर्ड मेंबर्स की तरफ रखा था, काफ़ी उसके सामने उलझने भी थी उस वक्त? हाँ देखिए, 2011 में हमने पेटीएम स्टार्ट करा, चाहे हमें लग रहा होगा जैसे कि हम अभी ओवरनाइट ही बन गए और ओवरनाइट ही आगे, आजकल हम बस ये कह सकते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2011 में जब मैंने ये बात अपने बोर्ड मेंबर्स के सामने करी कि हम मोबाइल पेमेंट स्टार्ट करेंगे, तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। एक, देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, क्योंकि स्मार्टफोन अगर डेटा इंटरनेट कनेक्शन और लोगों का यूसेज देखें तो सिर्फ फ़ोन कॉल के अलावा नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन कम थे। और दूसरा ये था कि देश में ना कैश को सब लोग यूज़ करते हैं और देश में जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आपको कंज्यूमर को या मर्चेंट को कैसे आप समझाएंगे कि आपका पेमेंट प्राप्त हो गया? तो मेरे को तो सीधा बोल दिया गया था कि आई थिंक पेमेंट इस कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक बैट ली हमने बात करी कि देखिए ऑनलाइन कॉमर्स हो रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट भी होगा धीरे धीरे करके, तो आज वो बहुत ही जग जाहिर है। पर हम एक इस देश की बात करें जहाँ पे 80% से ज़्यादा नकद यानी कैश इस्तेमाल होता था और उसको कैशलेस बनाने में पेटीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर इस कैशलेस ड्राइव के अंदर आपको क्या क्या और दिक्कतें आती हैं, जैसे लोगों को समझाना पहली बात कि पेटीएम क्या है, फिर लोगों को उसको अडेप्ट कराना इस टेक्नोलॉजी को? हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो लोगों को यही बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब मोबाइल से कैसे पेमेंट हो जाएगा, अभी तक तो हमारे बटवे में कैश होता था, तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने भी मेरा फ़ोन मेरा बटवा मेरा बैंक एक पूरा कैंपेन शुरुआत कर दिया, तो लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो एक सरकार के द्वारा प्रचलित करे जाने वाला कैशलेस सिस्टम है। और दूसरा एक सबसे उसके बाद हमारी प्रॉब्लम रही है कि हम जब पहले किसी दुकान को समझाते थे कि आप पेटीएम से पेमेंट लें तो उनको थोड़ा लगता था कि हमें क्या ज़रूरत है पेटीएम से पेमेंट लेने की, मतलब ऐसा क्या रहा जिसके लिए कि हम पेमेंट लें, और चेंज की हम बात करते थे, कन्वीनियंस की बात करते थे, आज अब ये ज़रूरी बन गया है, तो एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी। और फाइनली एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, देखिए कंज्यूमर के पास ना कैश में है पैसे होते हैं, पेटीएम एक उन लोगों की सुविधा है जिनके पास बैंक अकाउंट है, तो अभी भी हम लोग एक बस एक ही बात कहेंगे कि हम पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं उनके जिनके पास बैंक अकाउंट है। थोड़े दिनों के बाद हम एक पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च करेंगे जिससे कि हम एक सब लोगों के जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है उनके बैंक अकाउंट भी खोल पाएं। उनके व्यापार का टाइम है तो हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह छोटे से छोटे व्यापारी भी आप पेटीएम को अडेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रताप सिंह जी है जिन्होंने 3 नवंबर को पॉलिसी आने के थोड़े दिन पहले ही पेटीएम जो था वो लगाया है। प्रताप सिंह जी, आप बताइए कि किस तरह से पेटीएम से आपको क्या सुविधाएं? सुविधा अच्छी है जी मैडम, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग चाय पीते हैं पेटीएम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो 2-3 रुपए के छुट्टे से आज़ादी है? हाँ जी आज़ादी है। पर ये विजय आपको बहुत बड़ा इसका श्रेय जाता है जब आपने कहा कि मैं पेटीएम को बनाना चाहूँगा एक आदत, और जैसे लोग जीरोक्स करते हैं वैसे पेटीएम करो ताकि लोगों की रोज की जहन में बैठ जाए कि पेटीएम करना बहुत आसान। बिल्कुल सही आपने बोला, देखिए मोबाइल से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेटीएम करो,
और मेरा ये मानना है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एज ए स्टार्टअप कि हम इसको एक वर्ब बना दें। लोग जैसे कि गूगल करते हैं ना, तो ऐसे करके पेटीएम कर दो भाई, अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम कर दो, हमारे अकाउंट में पेटीएम कर दो, हमारे फ़ोन नंबर पे पेटीएम कर दो, हमें पेटीएम कर दो। तो पेटीएम कर दो का मतलब है कि हमें मोबाइल से भुगतान कर दो, ये एक बात है। जब क्योंकि हम चाय वाले के पास खड़े हैं, थोड़ा विजय जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब इनके पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो वक्त बड़ा ख़राब रहा आपके लिए। हाँ, वो तो देखिए, जब आप एक स्टार्टअप चलाते हैं तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम सबके पास रहती है, और देव ऐसे कुछ समय थे जब दो चाय पीना सर्दियों में बिल्कुल एक पर्क लगती थी कि वाह आज दो चाय पियेंगे। और मैं तो बस यही कहूँगा कि भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है, और शायद हमारी अपॉर्चुनिटी अब है, तो भगवान करे सबके लिए सब कुछ भला कर पाए। नहीं बिल्कुल, और आपकी खुद की जर्नी बहुत ऐतिहासिक रही है, बहुत इंस्पायरिंग भी रही है काफ़ी लोगों के लिए। जब हम लोगों से बात करते हैं, काफ़ी लोग गिवअप कर जाते हैं, एक आइडिया दिमाग में आया, लोगों का सहानुभूति नहीं मिली और हमने गिवअप कर दिया, पर आपकी फिलॉसफी रही है कि कुछ भी आ जाए मैं गिवअप नहीं करूँगा। हाँ देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो आइडिया और आपका जो काम है उसका कमिटमेंट सबसे ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। आपकी सिंसेरिटी डिसाइड करेगी वो कहाँ तक जाएगा। ये तो एक कोई कोई कहने की बात ही नहीं है कि जब आप एक नई चीज़ करेंगे तो लोग मना करेंगे, जब आप एक नई चीज़ अपने घर वालों को बोलेंगे तो वो मना करेंगे। नए से दुनिया को डर लगता है क्योंकि उनको अश्योरिटी नहीं होती कि वो कैसा चलेगा, और जब तक आप एक नई चीज़ दुनिया में लाओगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो दुनिया आगे बढ़ानी है ना, तो अपने ऊपर पूरा जज्बा और भरोसा, कॉन्फिडेंस और परसिवियरेंस, सारी चीज़ होनी चाहिए। बहुत इंस्पायरिंग बातें हैं, पर अगर नई चीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या वो पेटीएम करते हैं। क्या आपके पास पेटीएम है? आप नहीं करते हैं, आप बताइए सर, आपके पास पेटीएम है? नहीं, पेटीएम आपके पास नहीं मैम। तो यहाँ पे तीन लोगों के पास तो पेटीएम नहीं है, ये आपके तीनों कस्टमर है यहाँ पे, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कस्टमर तैयार है कि भाई पेटीएम इन्हें करना चाहिए। और पेटीएम ने एक शुरुआत करी है निःशुल्क बनाने की, उसके बारे में बताइए। जी हमने अभी क्या होता है कि अब जब जैसे हमारे दुकानदार बंधु ने पैसे प्राप्त करे वॉलेट अकाउंट में तो उसको बैंक अकाउंट में ले जाते हैं। अभी हम लोग उसको 0% कर रखा है फी के, आप अपने बैंक अकाउंट में 0% पे ले जा सकते हैं। और जब हम पेटीएम पेमेंट बैंक लाएंगे तो हमने बोला है कि आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में हमेशा 0% ले जा सकते हैं। तो ये स्कीम कोई 31 दिसंबर 2016 तक के लिए नहीं है, ये स्कीम आपके फॉर गुड अकाउंट के लिए है। जब भी कभी आप अगर अपने पेटीएम में पैसे प्राप्त कर रहे हैं और आपको अपने बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंक अकाउंट में ले जाना है, हमेशा 0% रहेगी। सो इससे क्या होगा कि मेरा ये मानना है कि ये डिजिटल आज जो ये पेमेंट एक तरीके से एक ऑब्लिगेशन और स्ट्रेस के अंदर कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट डिजिटल ही चलते रहें और इनके पैसे ना खर्च हों, ये आइडिया है। पर इनसे एक बार पूछना चाहेंगे, अगर आप हमें बताएं कि पेटीएम करने का आपको मौका दिया जाए तो क्या आप पेटीएम करेंगे? ऐसा क्या है कि आप पेटीएम नहीं करते? एक्चुअली आई एम नॉट यूज्ड टू डू दैट राइट, इफ रिक्वायर्ड आई विल बी एबल टू डू दैट। सो इन द मीन टाइम राइट आई एम यूजिंग द कैश दैट आई हैव इन माय हैंड एंड आई एम स्वाइपिंग माय डेबिट कार्ड वेयर एवर दैट इज रिक्वायर्ड राइट फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस आई एम यूजिंग द कैश। ये बड़ा चैलेंज है कि डेबिट कार्ड लोग स्वाइप करना शुरू करेंगे, क्रेडिट कार्ड करते हैं, कैश रखना चाहते हैं, पर पेटीएम जैसे ई वॉलेट्स जो है उन पे इतना भरोसा नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भरोसे की बात करें तो आज हमारे पास 162 मिलियन यानी 16.25 करोड़ लोग हैं जो पेटीएम के उपभोक्ता हैं। तो देश में करीब 100-125 करोड़ हैं, तो देखिए 100 करोड़ की जनता तो अभी भी बची है जो यूज़ नहीं कर रही। तो कॉन्फिडेंस की बात होती है, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बनता है लोगों का। पहले जो चेंज एजेंट होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में फिर उनके आसपास के लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि 2018 तक हम लोग 50 करोड़ लोगों को पेटीएम का उपभोक्ता बना पाएंगे। पर इसमें एक बहुत बड़ी बात भी आती है, कई बार साइबर सिक्योरिटी की बात आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि कहीं आपका अकाउंट हैक ना हो जाए, कोई वायरस ना आ जाए, ऐसी तरह की काफ़ी खबरें जो है आती है। देखिए अगर आप पेटीएम अकाउंट को माने तो वो एक फ़ोन नंबर आपका बैंक अकाउंट की तरह से होता है, और जो आपका पासवर्ड है वो आपका सिग्नेचर होता है। तो अगर आपको कोई आदमी फ़ोन कॉल करे और कहे कि अपना पासवर्ड बता दो, अपना OTP पिन दे दो या कोई भी तरह का पिन दे दो, ये बात करे, तो हमें ना वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर ग्राहक अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी को नहीं शेयर करते और उसका सिग्नेचर नहीं शेयर करते तो उनको अपना पासवर्ड भी नहीं शेयर करना चाहिए। उसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ है उससे ज़्यादा ही सिक्योर एंड सेफ है। पर आगे क्या है अब पेटीएम के लिए, क्या जर्नी है? आप काफ़ी सरकारी ऑफिसर से मिल रहे हैं, आजकल आपकी बैक टू बैक मीटिंग है। मैं आपको बता दूं पेटीएम डाउनलोड करना आसान है, इनके साथ टाइम मिलना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये आज बहुत बिजी रहते हैं, सरकारी मीटिंग्स है, काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से पुश भी आ रहा है। तो अगली जर्नी क्या है पेटीएम?
देखिए अभी इस टाइम पे हमारी एक ही एक कोशिश है और सारे सरकारी तंत्र की भी एक ही कोशिश रही है कि जिन लोगों के पास अभी अगर स्मार्टफोन नहीं है और फ़ोन नहीं है तो उनको ट्रांजैक्शन कैसे करवाएं। तो हमारा सबसे पहला जो ट्रायल है वो हम अगले एक दो दिन में कुछ नया तरीका लॉन्च करने वाले हैं जिससे कि आप फीचर फ़ोन से भी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम ये ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद हम अगले एक दो महीने के अंतर्गत हम अपने बैंक अकाउंट को लॉन्च करना चाहेंगे। तो जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर है, जो हमें पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो फिर एक सेविंग अकाउंट की तरह और करंट अकाउंट की तरह से भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टाइप होगा बैंकों के साथ और लार्ज स्केल पे जो है पेटीएम देखा जाएगा। वेल हमें खुद आरबीआई ने एक पेमेंट बैंक लाइसेंस लॉन्च दिया हुआ है तो हम ही बैंक बन जाएंगे और जो टाइप्स हैं बैंक के साथ वो तो अनेकों तरीके से जारी रहते ही हैं, लेकिन बैंक में हम अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो अकाउंट है पेटीएम अकाउंट वो एक तरीके से बैंक अकाउंट में भी कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पर इसकी शुरुआत क्या भारत के अंदर जो गाँव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी होगी? क्योंकि वहाँ तक पहुँचना अभी कैश बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आपने ये सही बात बोली है कि जो एक हमारी एक प्रयास रहेगी वो देश के उन 50 करोड़ लोगों को जोड़ने की शुरुआत और प्रयास रहेगा जिनके पास बैंकिंग अभी नहीं पहुंचा है, जिनके पास अभी तक ऐसा नहीं रहा कि उनके पास बैंक अकाउंट है और उनके पास ट्रांजैक्शन की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको हम देखते हैं। तो पेटीएम बैंक का मिशन ही ये रहेगा और यही हमारे पेमेंट बैंक का मिशन है कि हम उन 50 करोड़ भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम में लाएंगे जिनको अभी तक लोगों ने मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ा है। पर हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे विजय जी, आप चाइनीज इन्वेस्टर हैं, आपके कंपनी में आपके इंस्पिरेशन भी रह चुके हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करा है और काफ़ी बार ये भी एलिगेशन आया है कि ये कंपनी भारतीय नहीं है पूर्ण रूप से। सबसे बढ़िया बात, आज हमने अखबार में एक नोटिस निकाला है और उस नोटिस में हमने ये बात कही है कि आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो एक 100% भारतीय कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा है जिसमें के शेयर होल्डर मेजॉरिटी मैं इंडिविजुअली एज भारतीय सिटीजन हूँ और बैलेंस शेयर होल्डर हमारी इंडियन कंपनी है। तो मैं कहूँगा कि इस देश में इस टाइम पे कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा जिसके पास 1% भी बाहर की इक्विटी ना हो, जबकि हम 100% ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रन बाय भारतीय लोग हैं। तो ये अपने आप में एक बेबुनियाद बात है, अब यही मैं कहूँगा।